देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा की बात करें, भारतीय पंचांग की बात करें, तो उसमें हर महीना अपने आप में मूल्यवान माना जाता है और हर महीने की अपनी अपनी महिमा होती है। कुछ महीने बहुत ज्यादा विशेष माने जाते हैं, जिसमें से एक महीना है माघ का महीना। माघ का महीना आपको नया जीवन दे सकता है, नया वरदान दे सकता है और आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है, ये आज आपको बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि माघ का जो ये महीना है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस महीने की महिमा क्या है। देखिए, माघ का जो महीना है ये पहले माध का महीना था, बाद में ये माघ हो गया। माध शब्द जो है ये भगवान कृष्ण के एक स्वरूप माधव से जुड़ा हुआ है, तो माधव से माध हुआ और माध से बाद में माघ हो गया। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस महीने में आदमी को नव जीवन मिल सकता है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही साथ जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी धीरे धीरे अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो प्रयागराज में जो संगम है वहाँ पर विशेष रूप से कल्पवास किया जाता है और कल्पवास करने से व्यक्ति का शरीर और व्यक्ति की आत्मा नवीन हो जाती है। इस बार जो माघ का महीना है वो 11 जनवरी से 9 फरवरी तक रहेगा। अब ये जानते हैं कि माघ के महीने में खान पान में और जीवनचर्या में, अपने डेली लाइफ में क्या बदलाव करने चाहिए। गर्म पानी को धीरे धीरे छोड़ करके सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। सुबह देर तक सोना तथा स्नान न करना स्वास्थ्य के लिए माघ के महीने में उत्तम नहीं रहता, तो जल्दी उठिए और नियमित स्नान करिए। इस महीने से भारी भोजन छोड़ करके हल्के भोजन की तरफ आना चाहिए, यानी धीरे धीरे हल्का भोजन करने की आदत डालनी चाहिए। इस महीने में तिल और गुड़ का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है, आपके स्वास्थ्य में आपकी सहायता करता है। माघ के महीने में अगर केवल एक समय भोजन किया जाए, या तो सुबह या तो शाम को, तो शरीर शुद्ध होता है, आप स्वस्थ होते हैं और एकाग्रता की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि माघ के महीने के पर्व और त्यौहार कौन से हैं और इनका महत्व क्या है। देखिए, पहला जो पर्व पड़ता है तकरीबन माघ के महीने में, उसको कहते हैं संकष्टी चतुर्थी। भगवान गणेश की पूजा होती है इसमें। इसको करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी अगर कोई चिंता है तो वो चिंता दूर हो जाती है। दूसरा पर्व होता है षट तिला एकादशी का। इसमें तिल का विशेष प्रयोग करके स्वास्थ्य और समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। तीसरा पर्व है मौनी अमावस्या का। इसमें मौन रह करके पाप नाश की और आत्मा की शुद्धि की साधना की जाती है। इसके अलावा एक बड़ा महान पर्व आता है माघ के महीने में, उसे कहते हैं वसंत पंचमी। इसमें ज्ञान और विद्या बुद्धि के लिए माँ सरस्वती की उपासना की जाती है। माघ के महीने में जया एकादशी भी आती है और जया एकादशी के दिन विशेष प्रयोग करने से ऋणों से और दोषों से मुक्ति मिलती है। इसके बाद आती है माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की संयुक्त कृपा मिलती है और दोनों की कृपा से जीवन की समस्याएं समाप्त होती हैं। अब जानते हैं कि माघ के महीने में सुख शांति और समृद्धि के लिए कैसे पूजा उपासना करेंगे। नित्य प्रातः भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अर्पित करेंगे। इसके बाद मधुराष्टक का पाठ करेंगे रोज, या एक विशेष मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण। श्री माधव दया सिंधो भक्त काम प्रवर्षण माघ स्नान व्रतम मेद्वई सफलम कुरुते नमः।
माघ स्नान व्रतम मेद्वई सफलम कुरुते नमः, इस मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा। रोज किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या खाने पीने की चीज का दान करें, संभव हो तो खुद भी एक समय भोजन करके माघ महीने में अधिक से अधिक साधना करें, अधिक से अधिक उपासना करें, तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप।